लिपस्टिक काजल फाउंडेशन। ये मुझे याद नहीं कौन सा काजल है। Hey guys, welcome back to my channel, Shalini's Collection. मैं हूँ शालिनी और आज मैं आप लोगों को एक वीडियो का पार्ट टू दिखाने वाली हूँ। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो अगर आप लोगों ने वो मिस कर दिया है या देखा नहीं है अभी तक, तो इस वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक दे दूंगी, आप उसे पक्का से देख लेना, तभी आपको पूरा आइडिया मिलेगा कि एक न्यूली वेड के वैनिटी बॉक्स में यानी कि मेकअप किट में क्या क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए। एक आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा अगर आपकी शादी होने वाली है या शादी हो चुकी है, न्यूली वेड है, और अगर आप बिगनर्स भी हैं, अगर आप टीनेजर्स हैं, तो भी आपको कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ मेरे इस वीडियो को देखने के बाद पक्का मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखेगा। ये वीडियो मैंने अपनी सिस्टर के साथ बनाया है गाइज, एंड बीच बीच में आपको कुछ अन इंटेंशनल कॉमेडीज भी देखने को मिल जाएंगी, तो वो भी आप लोग इंजॉय कर लीजिएगा। जितने भी प्रोडक्ट्स आप लोगों को इस वीडियो में दिखेंगे, जिनके भी लिंक्स मुझे मिलेंगे, मैं आप लोगों को वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो अगर आपको उन्हें परचेज करने का मन करता है तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे परचेज कर सकते हो उस लिंक पर क्लिक करके। एंड यू नो, पिछले जो इस वीडियो का पार्ट वन है उसे देखने के बाद कुछ क्वेरीज आए थे, लाइक कि मैंने ये वैनिटी बॉक्स कहाँ से परचेज किया, तो उसका भी लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब ज्यादा बातें नहीं करते, जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीच से स्टार्ट होगा बट आप लोग वो कन्फ्यूज मत होना, इसका फर्स्ट पार्ट है। देन ये है आइकॉनिक लंडन का हाइलाइटर एंड गोल्डन ब्रॉन्ज कलर का इसका इफेक्ट आता है, ग्लिटरी, तो आप इससे अपनी हाइलाइटिंग कर सकते हैं, कॉन्टोर भी कर सकते हैं, कॉन्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बस इसकी एक बात है, ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो आपको बहुत जल्द मतलब जैसे ही आपने निकाले, ये लिक्विड हाइलाइटर है तो जैसे ही आपने निकाला तो आपको तुरंत उसको लगा के ब्लेंड कर लेना होता है इंस्टेंटली। आप वेट नहीं कर सकते कि एक चीक पे लगाया फिर दूसरे पे लगाया, तब तक ये सूख जाए और ड्राई हो गया फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते, सो बी वेरी केयरफुल। देन है ये स्ट्रोबिंग क्रीम है, ये मेबलिन का, जैसे कि वो मैक का स्ट्रोब क्रीम था वो, ये सिमिलर है बट ये थोड़ा ज्यादा ग्लिटरी होता है, वो नेचुरल इफेक्ट देगा, ये शाइनी इफेक्ट देगा। तो अगर मान लीजिए आपको इवनिंग पार्टी में जा रहे हैं या हस्बैंड के साथ कैंडल नाइट डिनर के लिए जा रहे हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और वो मैक वाला जो था वो पिंक लाइट शेड में था और ये न्यूड शेड है। देन कम्स दिस फाउंडेशन। फाउंडेशन तो बहुत जरूरी है, आप अपने हिसाब से अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ले। एंड ये जो है ये लैक्मे एब्सोल्यूट का मूज फाउंडेशन है, बहुत ही लाइट वेट एंड बहुत अच्छा सा फाउंडेशन होता है ये, आप देख सकते हैं। तो आप चाहें तो आप ये भी ले सकते हैं, बहुत ही कमाल का इफेक्ट लाता है। मैं इसे अप्लाई करके आज ही शिवानी के ऊपर एक अच्छा सा मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा। इसका शेड है आइवरी फेयर। उसके बाद है ये हाइलाइटर कम कंसीलर वाला जो स्टिक आता है, कॉन्टोर स्टिक है ये, तो इस साइड में इसका जो है ये है कॉन्टोरिंग शेड जो कि डार्क है, एंड इस साइड में है हाइलाइटिंग शेड जो कि लाइट है। तो आप चाहे तो ये दोनों में से कोई एक चीज आप ले सकते हैं, दोनों लेने की जरूरत नहीं है, एक से काम चल जाएगा, तो अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। देन है ये शिमरिंग ब्रॉन्जिंग पाउडर, ब्रॉन्जर है ये बेसिकली, सेम आप इससे हाइलाइटिंग कर सकते हैं, एज ब्लश अप्लाई कर सकते हैं, एज आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं, और कॉन्टोरिंग भी कर सकते हैं, इससे लाइट कॉन्टोरिंग हो जाता है, तो आप सारी चीजों के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ये फॉरेस्ट एसेंशियल का रोज मिस्ट है, ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि ऐसे मेरा जो हस्बैंड है वो हमेशा बोलते रहते हैं कि नहीं तुम गुलाबरी इतने सस्ते में आता है, तुम ये इतना महंगा रोज वाटर क्यों लेके घूमती हो, पर सीरियसली गाइस, इसका जो फ्रैग्रेंस है और इसका जो फ्रेशनेस है ये बहुत ही डिफरेंट है, यू कैन नॉट कंपेयर इट टू लाइक एनी अदर ब्रांड, एंड इट लाइक इट्स एक्चुअली वेरी रिफ्रेशिंग, एंड यू कैन यूज इट एज अ मेकअप सेटर एज वेल, और मैं मेकअप से पहले भी अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, ये काफी सपल रखने में हेल्प करता है, और मुझे अगर कभी कहीं गर्मी ज्यादा लग रही है या मुझे अनफ्रेश फील हो रहा है तो भी मैं अपने फेस पे इसको स्प्रे कर लेती हूँ, तो मेरा मूड भी अच्छा हो जाता है, एंड शी इज अ बिट सेंटी अबाउट इट,
तो इसके बारे में कोई कुछ नहीं पूछ सकता है. एक्चुअली बहुत अच्छा है एंड सच बता रही हूँ, इसकी जो खुशबू है ना, जैसे हम नॉर्मल डाबर का जो रोज वाटर अप्लाई करते हैं तो बहुत जल्दी वो खुशबू चली जाती है, बट इसकी खुशबू काफी देर स्टे करती है. इसकी खासियत ये है कि ये जिस रोज से ये फेस मिस्ट बनाया गया है, जिन रोजेस से ये बनता है, वो साल में सिर्फ तीन महीने खिलते हैं. एंड आप देख सकते हैं अभी मैंने अपने फेस पर स्प्रे किया है तो थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा इसका इफेक्ट. अगेन इसमें से एक नेल पॉलिश निकला है और ये है मिनिसो के स्टोर से लिया हुआ है. ये मिनिसो जापानीज ब्रांड है, जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं उन्हें पता होगा, काफी पॉपुलर. बहुत ही अच्छा शेड है, मैट शेड है. देन इसमें है ब्यूटी ब्लेंडर, जिससे कि आप आराम से अपने मेकअप को ब्लेंड कर सकते हैं. ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, आप अमेजोन से ले सकते हैं, नायका से ले सकते हैं, पर्पल से ले सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड है. मीशो पे भी मिल जाएगा तो आप चेकआउट कर सकते हैं, जो बेस्ट प्राइस पे बेस्ट प्रोडक्ट दिखे वो आप लें. एंड आप चेक कर लें कि वो एक जो होता है ना बहुत सस्ते वाले जो आते हैं उसमें एक अजीब सा स्मेल होता है, तो आप ट्राई करें कि आप वो लेटेक्स फ्री वाला आप परचेज करें, तो उससे ये स्मेल नहीं आएगा. ये वो लेटेक्स फ्री वाला है तो इससे कोई बुरा सा स्मेल नहीं आ रहा है, काफी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. कर दो ना. अब इसमें से निकला है ये लैक्मे का रोज पाउडर. रोज पाउडर भी ये लूज पाउडर होता है एंड बहुत ही अच्छा होता है, मैं तो बचपन से यूज कर रही हूँ उसे. तो ये भी आप अपने वैनिटी बॉक्स में पक्का से रखें, कभी मान लीजिए कि आपको इंस्टेंटली तैयार होना है, कोई गेस्ट पहुंच चुका है, तो आप फटाफट बस ये रोज पाउडर अप्लाई करेंगे अपने फेस पर और आपको कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपका फेस ऐसे ही खिल जाएगा. अगेन इसमें से ये एक सेम आई थिंक उसी ब्रांड का ग्रीन मेलिसो का ग्लिटरी ग्रीन लिप्स नेल पेंट है. बहुत अच्छा सा शेड है इसका भी. लोग निकाल के देते जाते हैं नेल पेंट का, इसको कुछ ज्यादा ही शौक है तो इसने बहुत सारे कलर्स रखे हुए हैं. नेल पेंट्स ही नेल पेंट्स निकले जा रहे हैं, तो ये भी मिनिसो के ही हैं ये सारे. वाओ, ये वाला शेड देखिए आप. अगर आप कुछ पक्का से मुझे बता दीजिएगा, अगर आप डिटेल में इन सारी चीजों की रिव्यू चाहते हैं ना नेल पेंट्स के भी, तो मैं आपको दिखा दूंगी. ये कलर बहुत अच्छा लगा. वाओ, ये भी है, ये देखिए ग्लिटर आई शेडो है मिस रोज का एंड ये बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इसका आईज पर. एंड इसके साथ आपको ग्लू लगाने की भी जरूरत नहीं है, ये बस आईज पर आप अप्लाई करेंगे एंड ये स्टे कर जाएगा, निकलता नहीं है. अगेन एक और कंटूर पैलेट निकला है, तो इतने सारे कंटूर पैलेट्स आप लोगों को अपने वैनिटी बॉक्स में रखने की जरूरत नहीं है, इससे कुछ ज्यादा ही ले रखे हैं, बट मेकअप के शौकीन हम दोनों ही हैं तो वो होता है. तो ये देखिए, ये है कंटूर हाईलाइट पैलेट, काफी अफोर्डेबल रेंज में ये मिल जाता है, पूरा का पूरा सेट था तो बहुत अच्छा सा है. एसेंशियल ये है कारा का नेल पेंट रिमूवर, ये वो इस तरह के आते हैं वाइप्स आते हैं इस तरह के कॉटन में, एंड एक कॉटन यूज होता है, आपके सारी उंगलियों के नेल पॉलिश निकल जाते हैं उससे. गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसे रखना मत भूलिएगा अपने वैनिटी बॉक्स पे. देन कम्स अनदर लिपस्टिक जो कि है लैक्मे का 95 लैक्मे 95 का है एंड ये देखिए कोरल रेड सॉर्ट ऑफ शेड है ये. अगेन कम्स अनदर आई लाइनर, ये कलर बार का है, लैक्मे एब्सोल्यूट से ज्यादा अच्छा है ना, ये मेल्टेड ग्लिटर है ये मेल्टेड. तो फिर छोड़, तुम बताओ ये बस तुम्हें ये कलर बार का मेल्टेड क्रिस्टल्स है, और इसको आप जब आप आई लाइनर अप्लाई कर लेते हैं तो आप उसके ऊपर से अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें लाइक डिफरेंट कलर्स के ग्लिटर्स मिले हुए हैं. इसका जो बेस है वो ट्रांसपेरेंट है, लाइक स्लाइटली ब्लैकिश ट्रांसलूसेंट कह सकते हैं, और उसमें डिफरेंट कलर्स के छोटे छोटे ग्लिटर्स हैं, तो वो बहुत अच्छा लुक आता है आप आई लाइनर के ऊपर इसको लगाते हैं. ये फेसेस का लूज हाइलाइटर है, हाइलाइटिंग में काम आता है. सिल्वर नहीं है, ये पिंक है, मेरा वाला है ना. हाँ पिंक है ये मैंने दीदी का, ऐसा वाइट सा दिखता है बट इसका ना आप अप्लाई करिएगा तो एक पिंकिश टिंट देगा. ये देखिए पिंकिश दिख रहा है, देखो पिंक.
तो ये ब्राइडल मेकअप के भी बहुत काम आ सकता है, एंड उसके बाद रिसेप्शन या फिर कुछ कोई अच्छी सी पार्टी हो तो आप इसे यूज कर सकते हैं। नेल आर्ट का किट है छोटा छोटा गाइज, ये देखिए ये नेल आर्ट का किट ले रखा है शिवानी नाथ ने, इसे बहुत पसंद है नेल पॉलिश एंड नेल आर्ट करना, तो ये देखिए। एंड मैं इस मामले में बहुत बड़ी आलसी हूँ, तो वाओ लवली थिंग्स आर देयर, ग्लिटर्स एंड बहुत अच्छा है। फाइनली तो अगर आपको इसका कुछ चाहिए हुआ ना तो वो मैं शिवानी को बोलूंगी शील डू ऑन हर नेल्स, उसके नेल्स भी अच्छे लंबे लंबे हैं। फाइनली ये दो काजल ने एक फाइनली आते हैं दो काजल एक रिनी का है मेटालिक ब्लू, ये अगेन मुझे मेरी सिस्टर लॉ ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, काफ़ी प्यारा है ये, इसका शेड भी बहुत प्यारा लगता है मुझे, और ये मुझे याद नहीं कौन सा काजल है इसका कोई नकली लिया था क्योंकि इसका सब कुछ मिट चुका है। oh, no! बट आप थोड़ा ध्यान से लें, खरीद ब्रांड से लें प्रोडक्ट्स बट ठीक है, ये काम तो ठीक करता है ना, अच्छा काजल है, अभी तक चल रहा है, एक साल से चल रहा है। सो आप काजल के मामले में ब्रांड कॉन्शियस नहीं भी हो तो चलता है। सो गाइज यहाँ पे मेरा ये छोड़ दिख लो था। सो गाइज यहाँ पर ये मेरा ये वीडियो फिनिश होता है, एंड आप लोगों को आइडिया लग गया कि एक वैनिटी बॉक्स में, नई नवेली दुल्हन के वैनिटी बॉक्स में क्या क्या सामान होने चाहिए। कुछ जो बहुत एसेंशियल चीजें थी वो था प्लकर, छोटी वाली कैंची, नेल पॉलिश रिमूवर, लिपस्टिक, काजल, फाउंडेशन, काजल फाउंडेशन पाउडर, ये सेफ्ट पिंस, हेयर क्लिप्स एंड जूड़ा पिंस भी थे इसमें जो मैं निकाल नहीं पाई, नीचे में थे, बट वो सारी चीज़ों के आप पक्का से ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड बाकी चीज़ें तो आप लोगों ने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपने वैनिटी बॉक्स को डेकोरेट करें। एंड ये चार्म जो है ना, ये शादी के बाद ही जो होता है मेन होता है, तो आप लोग बहुत अच्छे से अपने वैनिटी बॉक्स को सजा कर रखें और रोज़ रोज़ अच्छा अच्छा सा मेकअप करें और सुंदर लगे। तो चलिए गाइज यहाँ पे होता है मेरा ये वीडियो ख़त्म। आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, एंड ये भी बताएं कि आप किन प्रोडक्ट्स के रिव्यू पहले चाहते हैं, सो दैट कि मैं उस हिसाब से सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू करूँ। बोलो ना यार, तुम बोलो ना कुछ नहीं। आई होप कि मेरा ये कलेक्शन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू शालिनीज कलेक्शन। वो बहुत ही मेहनत करके सारे वीडियोस बनाती है और काफ़ी सिंसियरली वीडियोस बनाती है। आई एम प्रिटी श्योर दैट वो ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी है, और उसे मेकअप का और लाइक हेयर केयर स्किन केयर के बारे में भी इतनी कॉन्शियस रहती है, तो हर चीज़ का उसको शौक भी बहुत है, तो आपको हमेशा बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स, आपको बहुत अच्छे अच्छे लाइक लाइफ स्टाइल लाइक एसेसरीज और क्लोदिंग से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलेंगे, तो प्लीज प्लीज टू पुश द सब्सक्राइब बटन। एंड ओके गाइस, चलो मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू, बाय, गुड लक, बाय।